को मुझसे कैसे छीन सकता है? पागल है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किरण बोलने वाले शाहरुख खान के बारे में। शमाइला? नहीं माँ, वो किरण, वो भी उसकी बातों में आ गई है, भूल गई है कि वो किसकी अमानत है। यार मुझे कभी कभी बड़ा अजीब लगता है जब मैं शाहरुख खान के बारे में सोचता हूँ कि पहले शाहरुख खान की ऐसी मूवी आती थी और अभी के लिए ये देखो। बाप से बात कर। देखो यार, चौंकने वाली कोई बात नहीं है। वो जो दौर था 90s का था, जब शाहरुख खान रोमांटिक मूवी बनाया करते थे, उस टाइम पे शाहरुख खान ही नहीं बल्कि कई सारे सुपरस्टार थे जो कि सारे के सारे रोमांटिक मूवी बनाया करते थे। कोई भी एक्शन मूवी नहीं बनाता था, लेकिन उन सब में शाहरुख खान की एक्टिंग को ज्यादा पसंद किया जाता था रोमांटिक मूवियों में। सही पकड़े हैं। लेकिन भैया जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, शाहरुख खान ने भी खुद को चेंज कर लिया और लो 2023 में एक के बाद एक एक्शन मूवी पार्टी बदल लिया साला। लेकिन दोस्तों अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो शाहरुख खान की अब तक की सबसे हटके मूवी होने वाली है। ये क्या बात करता है यार। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, जो शाहरुख खान की मूवी होने वाली है सबसे हटके होने वाली है। एंड शाहरुख खान की अब जो मूवी होने वाली है जवान के बाद जो हमें देखने के लिए मिलेगी, उसका टाइटल है डंकी। दोस्तों ये जो मूवी होने वाली है 3 Idiot मुन्ना भाई MBBS जैसी मूवी होने वाली है। एंड इस मूवी को जो डायरेक्ट कर रहे हैं वो 3 Idiot के मशहूर डायरेक्टर राजकुमार हिरानी डायरेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो मूवी हमें इसी साल 22 दिसंबर को देखने के लिए मिलने वाली है। एंड जल्दी हमें इस मूवी से ट्रेलर भी देखने के लिए मिलने वाला। तो इसी के चलते हुए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।